Hello and I welcome you all to my YouTube channel. And in this video, I am going to cover the syllabus of BLLB fourth year. Okay, और मैंने इसमें ध्यान रखा है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी ये वीडियो इतना ही हेल्पफुल रहे जितना कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है. ये वीडियो स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि अक्सर उनको सिलेबस या फिर बाकी की चीज़ों को मैं ढूंढने में मतलब दिक्कतें होती हैं. सो आई होप इट हेल्प्स. सो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ें जल्दी से पता चल जाएँ. इफ़ दे आर मीन्स इफ़ यू आर इन फोर्थ ईयर नाउ, सो दैट आप अगर उसको शेयर करेंगे तो वो भी अपना इसको नोट डाउन कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेंडेमिक का टाइम है, कोविड-19 जो कि इतना तेज़ी से अभी भी स्प्रेड हो रहा है, तो इसमें सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपना उनको पता चल गया कि दे हैव बीन प्रमोटेड बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट दे आर गोइंग टू फेस इन दी न्यू सिलेबस. सो हियर आई एम कवरिंग ऑल दी थिंग्स. अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इसी शेयरिंग के लिए हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ ज्यूरिसप्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी. ठीक है, उसमें आपका यूनिट वन में आते हैं. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. यूनिट वन में आपकी नेचर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, सोर्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि विधि का शास्त्र, विधि शास्त्र का स्वरूप, विधि का स्रोत एंड न्याय प्रशासन. मैंने इनको यूनिट वाइज लिखा हुआ है. ओके, फर्स्ट पहले इंग्लिश में लिखा है एंड देन उसके बाद हमने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि किसी को भी इसमें दिक्कत ना हो. आई एम गिविंग यू सफिशियंट टाइम. आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को डील कर सकें. ओके, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा. अगर नहीं किया है आप वीडियो को पॉज करके रोक कर एंड देन नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. सेकेंड इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000. ओके, नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या है. मीन्स पांचों यूनिट्स के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. देखिए, यूनिट वन में सेक्शन 1 से 153, देन यूनिट टू के अंदर सेक्शन 154 to सेक्शन 224, देन यूनिट थ्री के अंदर सेक्शन 225 to 327, सेक्शन फोर यूनिट फोर सेक्शन 328 to सेक्शन 484, एंड देन यूनिट फिफ्थ में आपका आता है चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000. ओके, यू मे टेक योर टाइम, अपना पूरा टाइम लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, किसी भी सेक्शन में गलती नहीं कीजिएगा और पॉज करके आप कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी लॉ. सो लेट्स सी. फर्स्ट, इन फर्स्ट यूनिट वी हैव फ्रॉम सेक्शन 1 to 24. ठीक है, धारा 1 से 24 तक. सेकेंड, धारा 25 से 53 तक. एंड देन यूनिट थ्री के अंदर है सेल, एक्सचेंज एंड गिफ्ट. यूनिट फोर के अंदर है मॉर्गेज, चार्ज एंड लीज. एंड यूनिट फिफ्थ के अंदर है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम. ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एविडेंस. लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर पाँचों यूनिट हम देखते हैं. यूनिट फर्स्ट के अंदर है सेक्शन 1 से 31. यूनिट टू के अंदर है सेक्शन 32 से 55. यूनिट थ्री के अंदर आपका कवर होगा सेक्शन 56 से लेकर 90 तक. और यूनिट फोर में कवर होगा सेक्शन 91 से 117 तक. एंड यूनिट फिफ्थ कवर्स 118 to सेक्शन 167. बेसिकली आपका सेक्शन 1 से लेकर 167 तक आपको पढ़ना होगा पांच पार्ट्स के अंदर. ओके, यानी कि पांच यूनिट्स के अंदर. नेक्स्ट इज सिविल प्रोसीजर कोड. ओके, एंड लिमिटेशन एक्ट ऑफ कोर्स. ओके, सो इन दिस, इसमें यूनिट फर्स्ट में सेक्शन 1 से 20. ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर्स के साथ. यूनिट सेकंड में है आपकी सेक्शन 21 to 74 रिलेटिव ऑर्डर्स के साथ. सेक्शन यूनिट थ्री में है, आई एम मेकिंग दैट मिस्टेक अगेन, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, टेक योर टाइम. अगर मैं स्पीड में बोल रही हूँ आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड जस्ट नोट डाउन. एंड देन यूनिट फोर with certain orders and remaining orders, and then unit fifth with that Indian Limitation Act. Next is contract second, a specific contract we will be discussing about it.
ओके दे आर 5 यूनिट्स एंड उसमें आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स के अंदर जो भी कवर टॉपिक्स है, मीन जो भी आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो सारे ही लिस्टेड आउट हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेकंड में है बेलमेंट ऑफ एजेंसी, थर्ड में है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड फोर्थ में है नेचर डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड देन यूनिट फिफ्थ के अंदर है आपका पार्टनर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ दी पार्टनर्स, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स विद दी थर्ड पार्टीज। ओके इट इज़ थर्ड टी वर्ड वो एरर हो गया है, ठीक है, इट इज़ थर्ड पार्टीज विद थर्ड पार्टीज, देन इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। नाउ सी इसी को अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ हिंदी वाले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और इसमें मैंने 5 यूनिट्स को 5 स्लाइड्स पे लिखा हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश में, ठीक, ताकि आपको इजीली सारी स्लाइड्स में जो भी लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा था उसमें इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे एक यूनिट को कवर किया है। एंड आई होप मैं उसको ज़्यादा तेज मूव नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है नोट करने में, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड इवन इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, यू कैन लीव योर क्वेरी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कि कोई भी चीज़ साफ नहीं है या समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी दिक्कत है आप लिख सकते हैं, आई विल टेक्स्ट यू। ओके अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल में वैसे अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर मेनली 2 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, बट होते 3 हैं। ओके अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, जिसका कि सिलेबस अभी तक इतना नहीं है स्पेसिफिक, सेकेंड आता है आपका बैंक्रप्सी लॉ। बैंक्रप्सी लॉ नाउ सी इन बैंक्रप्सी लॉ प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट, इसमें 5 हैं। मैंने उसको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इतना मैं मान के चल रही हूँ कि इतना तो आता होगा। सेक्शंस को हिंदी में धारा कहते हैं, तो यूनिट 1 में धारा 100 से लेकर 26 तक, यूनिट 2 में धारा 27 से 44, यूनिट 3 में धारा 45 से 55, यूनिट 4 में धारा 56 से 68 एंड यूनिट 5 में धारा 69 से 81 एटसेट्रा। ओके नाउ नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स लॉ। इसमें थोड़ा बड़ा है इसीलिए एक स्लाइड पर एक यूनिट को कवर किया गया है, एंड आई होप इट हेल्प्स। सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके एंड आई ट्राइड माई बेस्ट दैट आई कैन हेल्प यू गाइज, एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल। एट लास्ट, डेस्टिनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट योर पास्ट एक्शंस, मेक श्योर यू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट टू अचीव योर गोल्स। ओके सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल, आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक श्योर दैट इट वॉज, एंड यस प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए जिनके पास सिलेबस नहीं है। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड देन कॉमेंट में बता देना कि अगर कोई भी पेज क्लियर नहीं था या कोई भी दिक्कत हुई नोट डाउन करने में। लाइक द वीडियो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड, आई कैन हेल्प यू इन अ मच बेटर वे। एंड yeah as you had noted down these labels, you start working on it and share it with your friends. Okay, thank you.